नमस्कार। पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आज ही जिला परिषद के लिए वार्ड सरोल से अपना नामांकन भरा है। तो अभी तक जो काम हुए और जो बचे हैं वो हम आगे पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। प्राथमिकताएं तो सर यही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं सड़क की बड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बड़ी ऊपर ऊपर घर हैं, जाना बड़ा मुश्किल है। तो यही हैं जो पहले कुछ हुई भी हैं और बाकी जो होना अभी बाकी है उनको हम पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मेन जो हमारी प्राथमिकता है वो यही है कि साहू में पार्किंग की बहुत समस्या है, और दूसरा है उप तहसील। उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वहाँ पर उप तहसील बनाई जाए ताकि 8-10 गांव के लोगों को लाभ मिल सके, पंचायत का लाभ मिल सके। तो यही है, बाकी जो और काम भी होंगे वो हम सभी पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सबको जो है वो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लियाकत अली खान, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों से जो है मैं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट्स के लिए सेवारत हूँ, और 1995 में मैंने फर्स्ट टाइम जो बी डी सी का इलेक्शन फाइट किया। 1995 से 2000 में बी डी सी का मेंबर रहा, 2001 से 2005 में जिला परिषद का मेंबर रहा, और तब से लेकर आज तक जो भी क्षेत्र की, चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात हो, अपने क्षेत्र की बात हो, चाहे रजिंडू की बात हो, चाहे परोथा की बात हो, चाहे साहू की बात हो, चाहे पल्यूर की बात हो, चाहे सिल्लाघराट की बात हो, चाहे जडेरा की बात हो, चाहे पलुई की बात हो, चाहे कैला की बात हो, चाहे सरोल की बात हो, चाहे हरिपुर की बात हो, चाहे राजपुरा की बात हो, और ये पंचायतों से जो अलग पंचायतें हुई हैं, जैसे चंबी अलग हुई है जडेरा से, या पल्यूर से कुराना पंचायत जो अलग हुई है, या आप सिल्ला से घगरोता अलग हुई है, या आप राजपुरा से भड़ो पंचायत अलग हुई है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने निरंतर प्रयास किए, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, पशु उद्यालय की बात हो, कई ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं। और लगातार जो है 3 टेन्योर जो है वो लेडीज़ रिजर्व जो है ये सीट हुई है। पहले जो है वो लगातार एससी लेडीज़ के लिए थी, अब एसटी लेडीज़ के लिए, उसके पश्चात एसटी लेडीज़ के लिए हुई, और उसके पश्चात जो है वो अभी ओपन लेडीज़ के लिए हुई। तो आप सबसे यही निवेदन है कि मेरी पत्नी जाहिदा अंसारी जो है पढ़ी लिखी है और काम करेगी, कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर है, प्रभाकर है, ग्रेजुएट है, और मुझे पता है कि रजिंडू पंचायत में क्या होना है, मुझे पता है कि अदर पंचायत में क्या होना है, मुझे पता है कि रजिंडू की टिटणू बड़ो का जो धारूंठा का जो एरिया सड़क समस्या है नहीं पहुंची है, मुझे पता है कि जडेरा पंचायत के बैरो में सड़क नहीं पहुंची है, मुझे पता है कि जडेरा के धार मुहाल में सड़क नहीं पहुंची है। तो ये जो भी समस्याएं हैं, कचरा प्रबंधन की समस्या है, आज आप देखिए कि साहू में जो है पार्किंग की समस्या है, साहू में उप तहसील की समस्या है, क्योंकि क्लस्टर पंचायतें हैं ये, 7-8 पंचायतों का सेंट्रल प्लेस जो है ये साहू पड़ता है। तो सभी जो ये इस तरह की समस्याएं हैं, हम ये कोशिश करेंगे जो ये वार्ड स्तरीय पंचायती राज को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को सशक्त करने के लिए जो वार्ड स्तरीय ग्राम सभा होती है, माइक्रो प्लानिंग, जो ये 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हुई और उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को जो इतनी अपार शक्तियाँ मिली, 3-tier सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, और हम धन्यवाद दिए हैं सरकार के कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया, ताकि महिलाएं भी आगे आएं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जिन महिलाओं में टैलेंट है वो अपना जो है आगे आकर सेवा करें। और मैं चाहूँगा कि जो माइक्रो प्लानिंग, वार्ड स्तरीय प्लानिंग होती है, वार्ड स्तरीय ग्राम सभा जो 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज में हुई है, उसमें प्राथमिकता यही है कि वार्ड स्तर से प्लानिंग होके वार्ड में क्या दिक्कतें हैं, वो जो रेजोल्यूशन पास होके पंचायत में आएगा, पंचायत पास करेगी, ग्राम सभा या पंचायत की बैठक में पास होगा, बीडीसी में जाएगा, बीडीसी से अनुमोदित होगा, फिर जिला परिषद की बैठक में आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो धर्मपत्नी जाहिदा अंसारी है इसमें सशक्त है, जो प्रशासनिक बैठक जिला परिषद की होगी उसमें अपने जिले जिलाधीश महोदय होंगे, या जिला क्या प्रशासन पूरा का पूरा होता है, उसमें जो पंचायतों से उठकर जो समस्याएं आएंगी उसको भरपूर जो है उस मंच पे, उस पटल पे उठाएंगी और उनका समाधान करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। इन शब्दों के साथ जो है एक बार फिर मैं अपील करता हूँ सरोल जडेरा वार्ड की आदरणीय मतदाताओं से कि वो विश्वास रखें और मेरी धर्मपत्नी जाहिदा अंसारी को जो है अपने बहुमूल्य वोट देकर जो है कामयाब करें। मैं अपनी धर्मपत्नी की ओर से आपसे वायदा करता हूं कि जो भी समस्याएं, मैं अभी 25 साल से लगातार आपके बीच में हूं, पंचायती राज में हूं, आपकी जो समस्याएं भली भांति मैं जानता हूं, उनका निवारण करने के लिए हम जो है मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एक बार वंस अगेन आपको जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।